राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस के अवसर पर जिले के मत्स्य विभाग की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जिले के मत्स्य कृषकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत परिसंपत्ति का वितरण किया गया, जिसमें जिले के दो मत्स्य कृषक जॉर्ज मुर्मू और रोहित महलदार को मोटरसाइकिल, मछली रखने हेतु आइस बॉक्स दिया गया। साथ ही 11 अन्य मत्स्य कृषकों को जाल और मत्स्य बीज का वितरण किया गया। मुख्य कार्यक्रम रांची में मुख्यमंत्री के द्वारा मत्स्य प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण किया जा रहा है। इसी के अनुरूप सभी जिला मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन कर मत्स्य कृषकों को योजना से संबंधित जानकारी दी जा रही है एवं परिसंपत्ति का वितरण कर आर्थिक उन्नति का मार्ग को प्रशस्त किया जा रहा है। आज 10 जुलाई 2021 राष्ट्रीय मत्स्य कृषक दिवस पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। इसी उपलक्ष्य में हमारा जो मेन प्रोग्राम है, माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची में मुख्य प्रोग्राम किया जा रहा है, जहां प्रशिक्षण भवन का उद्घाटन एवं परिसंपत्तियों का वितरण मत्स्य कृषक बंधुओं के बीच में किया जा रहा है। और साथ ही साथ पैरेलली सभी जिला मुख्यालयों में भी मत्स्य विभाग के द्वारा मत्स्य कृषकों को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के द्वारा परिसंपत्तियों का वितरण किया जाना है। इसमें साहेबगंज जिले में मोटरसाइकिल सा आइस बॉक्स योजना, जो मछली विपणन योजना है, मछली बिक्री का, दो लोगों को यहाँ पे दिया जा रहा है, एक जॉर्ज मुर्मू और रोहित महलदार, और 9-11 लोगों को यहाँ पे जाल और मछली का दाना दिया जा रहा है, जो मछली के छोटे स्पॉन को बड़ा फ्राई बना के, फिंगर लिंक बना के बेच सके और अपनी आजीविका का को बढ़ा सके, अपना लाभ ज्यादा कमा सके। तो यही प्रोग्राम मेन यहाँ है और मुख्य प्रोग्राम चूँकि रांची में है, तो हम लोग उसको देखते हुए इस प्रोग्राम को यहाँ पे